अरे बेंगल एक ही होगा ग्रुप के लिए एक होगा आपसे ज्यादा सीनियर है आज का दिन कांग्रेस के लिए खुशी का मौका लेकर आया और तमाम जो कार्यकर्ता अपने आप को दावेदार मानते हैं वे लगातार दोनों ही ब्लॉकों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के से जुड़ा एक बड़ा नाम जो कि अब शहर की राजनीति में भी अपना एक अहम योगदान रखते हैं जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, अगर उदयपुर शहर विधानसभा की बात करी जाए शहर सीट की, तो सबसे अधिक तादाद में मुस्लिम समाज आता है। फिर भी हर बार मुस्लिम समाज में ना आज तक कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया ना MLA टिकट दिया, चलो उसको भी स्वीकार है। पार्टी जिसको टिकट देती है उसका चुनाव होता है, चलता रहता है, ठीक है। अब के अगर चुनाव जीतना है तो यहाँ से टिकट मिलना चाहिए जैन समाज को। XYZ जैन समाज में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैन समाज में नाम आते हैं अजय कोडवाल, दिनेश कोडनिया, एक अपने डूंगरपुर वाले और हैं उनका नाम आता है जी। XYZ चुनाव जैन समाज ही जीत सकता है, ठीक है, ये सत्य है। अब ये भले इनकी पॉलिटिक्स करे, वो क्या करे, कौन क्या करे। अच्छा एक बात बताएं जावेद जी, आप बड़े सीनियर लीडर है पार्टी के, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 20 सालों से जब से गुलाब जी यहाँ पर थे तब कभी जैन समाज अपने आप को कांग्रेस में अग्रणी भूमिका में क्यों नहीं लाया, क्यों उन्होंने तब टिकट की दावेदारी नहीं करी? नहीं की। आज गुलाब जी के सामने गुलाब जी चले गए तो कम से कम 3 जैन तैयार हुए, ये सीट कांग्रेस की निकल सकती है। अगर उस मौके का इंतजार था 135 साल पुरानी पार्टी को, मौके का मान लो, आप मौके का मान लो जी। राजनीति में अजय पोडवाल भी राजनीति में 20 साल से इन्वॉल्व है जी, दिनेश जी खोडनिया भी है कि 20 साल से इन्वॉल्व है, लेकिन उनको मौके का इंतजार था, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। अब वो चुना। और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का क्या स्टैंड रहेगा? हमेशा की भांति कांग्रेस को समर्थन करती आई, कांग्रेस को वोट देता है, वर्षों से देता हुआ आया है मुस्लिम समाज, तो कांग्रेस को वोट देता हुआ आया, दे रहा है जी, और आगे भी देता रहेगा, आगे भी देता रहेगा, चलिए आगे भी देता रहेगा। और यूथ कांग्रेस में भी आपने फिर से अपना वर्चस्व साबित करा इस बार भी। यूथ कांग्रेस में मेरा एक छोटा भाई है गोल्डी, हर्षवर्धन सिंह, 3-4 लोगों ने कहा ये चुनाव नहीं जीतेगा, मैंने कहा ये चुनाव जीतेगा। उसको वोट किसके मिले मालूम? माइनॉरिटी के जी, हर्षवर्धन सिंह केलावत को, नहीं तो हर्षवर्धन सिंह केलावत से आप इंटरव्यू ले लेना और पूछ लेना, उसको वोट मिले माइनॉरिटी के जी, इस वजह से आज वो जिलाध्यक्ष है जी कांग्रेस का। अगर इसी तरह से माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को भी मिलते रहे और जैन समाज का भी थोड़ा सा तड़का लग जाएगा तो कांग्रेस इस बार विधायक भी बना पाएगी, विधायक बना देगी। जैन समाज और मुस्लिम समाज मिल गए ना तो इस बार का MLA दोनों मिलके तय करेंगे।